काहे कैलू ज्योति ऐसा कमवा हो कि नमवा डुबा दिहलू। काहे कैलू ज्योति ऐसा कमवा हो कि नमवा डुबा दिहलू। अरे पिया वाके छोड़लू तू अकेलवा हो कि नमवा डुबा दिहलू। काहे कैलू ज्योति ऐसा कमवा हो कि नमवा डुबा दिहलू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी के प्रयागराज में है और आपको बता दें कि लगातार आलोक और ज्योति का जो प्रकरण है वो सबकी जो निगाहें हैं आलोक ज्योति के प्रकरण पर टिकी हुई हैं कि आखिर फैसला क्या आ सकता है। और आपको एक बात बता दें कि ज्योति के ऊपर 3 सदस्यीय टीम को गठित करके लगा दिया गया है और उनकी जांच बहुत तेजी से चल रही है। अगर ऐसे में हम बात करें तो हम लोग प्रयागराज में थे और प्रयागराज की धरती से हमारे साथ लोक गायिका शशि यादव जी जुड़ रही हैं और उनकी बहन जुड़ रही हैं, दोनों बहनें हैं सरिता यादव जी जुड़ रही हैं। और इन लोगों का क्या विचार है, क्योंकि सोराव तहसील में ज्योति मौर्य SDM भी रह चुकी हैं। ऐसे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शशि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका PG न्यूज़। नमस्कार जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी, अगर हम आलोक और ज्योति के प्रकरण की बात करें तो जिस हिसाब से ये देखा जाए कि महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ जी, है जी, तो ऐसे में आप क्या कह सकती हैं ज्योति मौर्य के बारे में? ज्योति मौर्य से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, यही कहना है कि उन्होंने जो भी किया है जी, वो गलत करी है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और उनके हस्बैंड है, उन्होंने कितना मेहनत किया जो है, कितना कुछ किया उनके लिए, और वही ऐसा कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से गलत कर रही हैं उन्होंने। वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरिता मैम, आप क्या कह सकती हैं, पहला कमेंट ज्योति के लिए क्या होगा? मेरा नाम सरिता यादव है, नमस्कार जी। और सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पति उनको पढ़ाए लिखाए और वो उनके साथ गलत काम किए, उनके साथ उनके वजह से पूरे लोग के पूरे बच्चियों पर ये गलत प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, आप लोग प्रयागराज में रहती हैं, प्रयागराज में कितनी महिलाओं को घर बुला लिया गया जी, कोचिंग पढ़ने के लिए वो आई थी उनको घर बुला लिया गया है, ऐसे में बताइए कितने लोगों का सपना टूट जाएगा। और क्या कुछ जब से ये प्रकरण हुआ है आप लोग के हस्बैंड का आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव है, मतलब वो किस नज़रिए से देखते हैं? कहीं ना कहीं तो दिक्कत सभी को है और वो कहते भी हैं जो है, उनको भरोसा है मेरे पे कि वो ऐसी नहीं है, बट जो है कहीं ना कहीं जितने भी हस्बैंड हैं सबको जो है कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही है। अगर दिक्कत नहीं होती तो जो महिलाएं एडमिशन ले चुकी थी, जिनकी पढ़ाई चल रही थी, उनको घर बुला लिया गया। तो आप भी स्टेज शो के लिए जाती होंगी जी, तो स्टेज शो करने के लिए बाहर जाते होंगे घर से, तो पति कितने प्रेशर बनाते होंगे कि क्या वहाँ जाती हो, फिर कुछ इस प्रकार के कमेंट या कुछ क्या क्या सुनने को मिलता है? जी जी, वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और हमें उन पर मुझे उनका मेरे पे और मेरा उन पर बहुत पूरा भरोसा है। और हम लोग ऐसे है भी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, बट ध्यान रखें जो है सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपको बता दें कि जो भी लोक गायिका होती हैं या लोक गायक होते हैं, समाज को संदेश देने के लिए या सरकार पर हम कहें तंज कसने के लिए कुछ ना कुछ गाने लिख देते हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें शशि मैम की, तो शशि मैम SDM ज्योति के ऊपर एक बहुत अच्छा गाना लिखा है, सही है कि नहीं? जी 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 बिल्कुल। सरिता मैम, कौन सा गाना है वो? होना चाहिए एक लाइन जी। जी बिल्कुल, वो गीत है कि काहे कैलू ज्योति ऐसा कमवा हो कि नमवा डुबा दिहलू। काहे कैलू ज्योति ऐसा कमवा हो कि नमवा डुबा दिहलू। अरे पिया वाके छोड़लू तू अकेलवा हो कि नमवा डुबा दिहलू। काहे कैलू ज्योति ऐसा कमवा हो कि नमवा डुबा दिहलू। अंतरे में बोलना है कि मेहनत मजूरी करके
तोहके पढ़ाई ले। वाह। आलोक मौर्या तोहर सपना पुराई ले। मेहनत मजूरी कई के तोहके पढ़ाई ले। आलोक मौर्या तोहर सपना पुराई ले। तो तोड़ दी हलुओ न कर सपनवा हो कि नमवा डुबा दी हलू। तोड़ दी हलुओ न कर सपनवा हो कि नमवा डुबा दी हलू। काहे कैलु ज्योति ऐसा कमवा हो कि नमवा डुबा दी हलू। हमारे दर्शक इसके आगे भी सुनना चाहते हैं क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि आप दोनों बहुत अच्छा गा रही हैं, तो क्या कुछ लाइन है जो आगे सुना सकते हैं? वाह जी। ऐसा काम या मानिस तो हर साथ कही ले। प्यार में अपना वो पागल बनाई ले। कवन ऐसा काम मानिस तोहर साथ कई ले। प्यार में अपना वो पागल बनाई ले। और ज्योति मौर्या से खास करके कहना है कि नीच कैलु सब के पगरिया हो कि नमवा डुबा दी हलू। नीच कैलु सब के पगरिया हो कि नमवा डुबा दी हलू। काहे कैलु ज्योति ऐसा कमवा हो कि नमवा डुबा दी हलू। कि नमवा डुबा दी हलू। ससी मैम, ये गाने आप लिखी हैं या कोई आपको लिख के दिया है? नहीं, ये मैंने ही लिखा है और अभी भैया बोले हैं तो लिखा है, क्योंकि पहले मैंने गाया नहीं था जी, तो अभी अभी। सरिता मैम, कैसे इतने अच्छे अच्छे गाने आप लोग लिख देती हैं? बस दीदी लिखती हैं। क्या कोई आपका YouTube चैनल भी है? जी, हमारा चैनल है YouTube पर, सिंगर ससी यदुवंशी के नाम से है। तो आप लोग जाइए और वहाँ बहुत प्यारे प्यारे भजन और सामाजिक गीत और रोमांटिक गीत आप लोगों को मिल जाएंगे, तो हम चाहेंगे। अच्छा, जिस हिसाब से ज्योति के ऊपर जांच चल रही है, आप लोगों को क्या लगता है, आलोक मौर्या को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? उसको तो न्याय मिलना चाहिए सर, क्योंकि ज्योति की वजह से हमारे खान सर के कोचिंग से 93% लड़कियों का यहाँ से प्रयागराज से जी यहाँ से उनका नाम कट गया है। हाँ, उनको तो न्याय मिलना जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसे सारे लोग करेंगे, और लोग करेंगे ऐसे जो, इसलिए उनको न्याय मिलना बहुत जरूरी है जी। हम सब यही चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। न्याय मिले जी। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में थे और ये हमारे साथ ससी यादव और सरिता यादव दोनों बहनें हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। मित्रों, आप गाना सुने होंगे, आपको खुद लगा होगा कि नहीं, वाकई में बहुत अच्छा गाती हैं। एक छोटी सी कोशिश थी ज्योति मौर्या के बारे में कुछ बताने की और सुनाने की, जो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।